जम्मू कश्मीर में अब सरकारी नौकरी पाना काफी पेचीदा हो गया। अब यहां सरकारी नौकरी बिना सीआईडी की सत्यापन रिपोर्ट के प्राप्त नहीं की जा सकती। दरअसल जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा निर्देश 1997 में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की तरफ से ये संशोधन किया गया है, जिसके बाद अब सरकारी नौकरी पाने के लिए सीआईडी रिपोर्ट अनिवार्य है। सीआईडी की सत्यापन रिपोर्ट के लिए व्यक्ति को यह भी बताने की आवश्यकता होगी कि वो खुद या उसके परिवार का कोई सदस्य या करीबी रिश्तेदार किसी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़ा है या नहीं, या किसी राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा है। इसी के साथ किसी विदेशी मिशन या संगठन या जमात ए इस्लामी जैसे किसी प्रतिबंधित संगठन के साथ संबंध रखता है या नहीं। इसके साथ ही आवेदक को यह भी बताना होगा परिवार के सदस्यों की क्या सियासी गतिविधियां रही हैं या वो किसी सियासी पार्टी का हिस्सा हैं। दरअसल ये संशोधन एक सहायक प्रोफेसर सहित 3 सरकारी अधिकारियों की सेवा से बर्खास्तगी के बाद हुआ है। इन अधिकारियों पर कथित राज्य विरोधी गतिविधियों का आरोप है। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ राज्य विरोधी गतिविधियों के आरोपों की जांच के लिए प्रशासन द्वारा पिछले महीने एक समिति गठित करने के बाद यह इस तरह की पहली कार्रवाई थी। नए संशोधन के अनुसार सेवारत कर्मचारियों की सीआईडी से पुनः सत्यापन की आवश्यकता के मामले में नियुक्ति की तारीख से पोस्टिंग और पदोन्नति का वितरण देना होगा। इसके अलावा माता पिता, पत्नी, बच्चों और सोतेले बच्चों के अलावा सास ससुर, साले, ननन की नौकरी की भी जानकारी देनी होगी। सीआईडी किसी भी सत्यापन में 2 महीने से अधिक नहीं ले सकता है। आदेश में कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी की पुष्टि के बाद प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने पर नियुक्ति बिना किसी नोटिस के रद्द हो जाएगी। सत्यापन फॉर्म में उम्मीदवार की बेसिक जानकारी के अलावा किसी भी परिवर्तन की भी पूरी जानकारी देनी होगी। फॉर्म में परिवार के किसी सदस्य या करीबी रिश्तेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का विवरण भी मांगा गया है।